अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं बाज़ार और आपको दिखाते हैं कि ईद के हवाले से क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, या कॉस्मेटिक की, या क्या इस वक्त जो सीन है बाज़ार में शॉपिंग के हवाले से क्या है, और लोग किस तरह की ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और आपको ये बहुत अच्छा व्यू भी नज़र आ रहा होगा, साफ़ सुथरा माहौल है, ग्रीनरी है, और हम लोग रास्ते में हैं। तो अभी हम चलते हैं बाज़ार और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं इतनी चीज़ें जो उनसे ईद के हवाले से आई हैं, कि लोग आजकल क्या पसंद कर रही हैं, किस चीज़ की डिमांड है, और मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। तो चलते हैं बाज़ार। तो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग यहाँ बाज़ार में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी कॉस्मेटिक की वैरायटी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल हर ब्रांड के जो सी कॉस्मेटिक अवेलेबल है, और यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। और अब हम लोग पूछेंगे, मतलब यहाँ पर जो शॉपकीपर हैं, कि अमूमन किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, लोग कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसको पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा जो सी वह सेल हो रही है, या ईद के हवाले से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो, मतलब क्योंकि स्किन वाइटनिंग का, फेशियल की चीज़ें यूज़ होती हैं, या स्लोन वाले लेते हैं, वैसे कौन सी प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो व्यूअर्स, पहले मैंने आपको कॉस्मेटिक का सामान दिखाया था, अब यहाँ पर ये देखिए, ये बॉडी स्प्रे वगैरह हैं, और ये जो से हैं स्ट्रेटनर और कलर वगैरह पड़े हुए हैं। तो इनके प्राइसेस क्या है, कौन से अच्छे हैं, ये भी हम जानते हैं शॉपकीपर से। और यहाँ पर कुछ ब्रशेस वगैरह हैं, और ये कुछ लिपस्टिक्स के कलर हैं, और इसके अलावा ये हेयर एक्सटेंशन पड़ी हुई है। और बाज़ार में से बहुत गहमा गहमी है कि ईद नज़दीक है और लोग रूज पे जो सी है शॉपिंग वो पहुंच चुकी है लोगों की, और अब हम लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कलर के जो से ब्लशेस वो नज़र आ रहे हैं, ये कितने प्यारे प्यारे शेप, कोई हार्ट शेप में, कोई सर्कल में है, मतलब काफ़ी डिफरेंट तरह के जो से हैं, ये जो से पाउडर हैं पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। कौन कौन से कलर्स की ज़्यादा डिमांड है और उनकी क्या फ़ायदा के जानते हैं भाई से? ये तो पिंक कलर है, पीच तो नहीं है जी। ये वो ब्लश और नहीं है जो मुझे चाहिए, मतलब मुझे पीच कलर चाहिए, पर पीच कलर ये नहीं है तो मुझे ये पसंद नहीं आया। भाई इसकी क्या प्राइस है? इसकी और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी नई पेंसिल्स भी हैं, लिप पेंसिल्स हैं, काफ़ी डिफरेंट कलर हैं, हुदा वालों की हैं, और काफ़ी मतलब और भी यानी कि पड़ी हुई हैं ब्रांड की। लेकिन इनमें से अगर कोई आप लोग चाहें मतलब शॉपिंग करने के लिए जब आप आएँ तो अपनी पसंद की आपको पेंसिल भी देख सकते हैं, जैसे कि एक ये कलर है, ये भी कलर अच्छा, मतलब काफ़ी सारी यहाँ पर वैरायटी, आप अपनी चॉइस के मुताबिक ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह के पैलेट्स नज़र आ रहे हैं, तो हम भाई से पूछते हैं कि सबसे अच्छे वाला पैलेट कौन सा है। और यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, ये देखिए, और इसमें ये मैट वाले भी हैं और ग्लिटर वाले भी हैं इसके अंदर भी, मैट और वो। अच्छा, तो इसकी क्या रेंज है, इसकी क्या प्राइस है भाई? 1550 रुपये की। और जो सा ये वाला पैलेट है, ये भाई 850 850। और मतलब आजकल कौन सी ईद के हवाले से कौन सी ज़्यादा मतलब सेल हो रही है? ईद के हवाले ना छोटा सा ज़्यादा यूज़ होता है, एक इसको के आम मसलन के घर यूज़ में है, पार्लर रेड वाइन दी, ये पार्लर वाइन, मतलब जिनके सैलून वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं। और एक ये भी, और एक ये नीचे अंदर भी पड़ा हुआ जिसके ऊपर मतलब दिल बने हुए हैं, कि दिलों वाला सानू केयर दो दरमियाने सा है जरा, उधर नहीं सी है का, हुन ये वाला भी बहुत अच्छा है, आगे तो नहीं सी है, और टेक्सचर भी इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट इनका अच्छा है, और ये जो है सबसे ज़्यादा इसका अच्छा लगा कि ये मतलब जो है इसकी शेप, मैं इसे खोल के नहीं देखा, इसे बिचारा कुछ बूट ये जो है दिल वाले बने हुए हैं, ये वो दिल है, ये तो कोई उधर ना सी लाया नहीं मेरे हाथ में, ये और मैं इसका ये तो बगैर ये कितने का भाई? ये भी सेम उसकी वही प्राइस है जो इनकी है, ये 550 दी है, ये 550 की है। तो अभी ईद के हवाले से मतलब और भी वैरायटी आएगी मेकअप की, जो कस्टमर है वो क्या डिमांड करते हैं, मतलब कौन से वाले शेड्स उन्हें होते हैं ज्यादा या कम हो, या कौन से कलर वो डिमांड करते हैं, ज्यादा शेड यूज करते हैं, ज्यादा कलर के बीच वेलवेट आ जाता, मैट आ जाता, शाइनिंग तीनों इकट्ठे आ जाते हैं जी जी, उनको मतलब सारी वैरायटी मिल जाती है एक ही जगह पे, इस वजह से वो उसको प्रेफर करते हैं। 140
तो व्यूअर्स अब आप लोगों से जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की छोटी सी हमारी वीडियो है, क्योंकि अभी तो आपको पता है ये समझ रहे पार्ट वन ही था कि हम लोगों ने आपको कॉस्मेटिक से शुरू किया है। अब रफ्तार रफ्तार जैसे जैसे ईद जो सी है वो करीब आती जा रही है, इंशाल्लाह हम आपके साथ जो सी इस तरह के नित नई वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ जाके आपको लेनी है, उसकी क्या प्राइस है और आपको कितने मिलेगी, तो बहुत हेल्पफुल होंगी हमारी वीडियोस। तो यह समझ ले पार्ट वन है, इंशाल्लाह बहुत सारे पार्ट इस तरह आते रहेंगे। और अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस ईद के हवाले से, ईद की शॉपिंग के हवाले से कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आई है, कौन से कपड़े लेटेस्ट हैं, किस डिज़ाइनर के कपड़े ज़्यादा इन हैं, कौन सा डिज़ाइन आजकल चल रहा है, कौन से शेड्स चल रहे हैं, कौन सा फैब्रिक ज़्यादा अच्छा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को कुकिंग विद नाज़िम को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी वीडियो है, जो हमने व्लॉग शेयर किया है ईद शॉपिंग के हवाले से, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमें अगर कोई आप लोग और चाहते हैं कोई डिफरेंट तरह की वीडियो या कोई आप लोग सेगमेंट चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं ईद के हवाले से, तो आप लोग हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको अपना जो सा कॉन्टैक्ट नंबर वो दिया हुआ है, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें अपनी राय दें ताकि हम आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को जो देखना पसंद है, जो आप लोग देखना चाहते हैं वही आप लोगों के लिए लेकर आएँ। कोई रेसिपी है, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं, या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और अब आप लोगों से जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के दोबारा हाजिर हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।